देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फतेहाबाद नगर पालिका कर्मचारी संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी गई। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने दो दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। फतेहाबाद नगर परिषद कार्यालय में नगर पालिका कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन भी किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन कर्मचारियों का कहना है कि अपनी जायज मांगों को लेकर वे लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यही कारण है कि उन्होंने दो दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो हड़ताल को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं दिवाली के मौके पर लोग अपने घरों की साफ सफाई में जुटे हुए हैं और इसी बीच सफाई कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी परेशानी का सबब रहेगा। फतेहाबाद से हमारे संवाददाता ईशान रुखाया की रिपोर्ट। क्या मामला जी, किस बात को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं जी? ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के स्टेट कमेटी के आह्वान के ऊपर 1920 दो दिन की हड़ताल की घोषणा की गई है। इससे पहले सरकार से हमारी जितनी बार भी मांग हुई है या वार्तालाप हुई है, उसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया था कि आपकी जो जायज़ मांगे हैं उनको सुना गया और उनके लिए नोटिस निकाला जाएगा और पूरी की जाएगी। लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी जो डायरेक्टर लोकल बॉडीज की तरफ से उन जो घोषणाएँ जो की गई थी उन पर अमल नहीं किया गया, इसलिए मजबूरी बस हमें हड़ताल पर आना पड़ा। तो कौन कौन से कर्मचारी हड़ताल पर हैं जी? अभी नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारी, जिसमें सफाई कर्मचारी, अंदर ऑफिस के कर्मचारी, बाहर के कर्मचारी, ये टाटा एस के ड्राइवर, सभी पूर्णतः हड़ताल के ऊपर। तो आज पूरी तरह काम बंद पड़ा है जी? बिल्कुल, आज काम पूरी तरह बंद है। तो कब तक चलेगी जी ये हड़ताल? फिलहाल हड़ताल 1920 दो दिन के लिए घोषणा की गई है, लेकिन सरकार ने अपनी हड़तालता दिखाई और इस पर हमारी जो जायज़ मांगे उन पर गौर नहीं किया गया, तो स्टेट कमेटी का जो आह्वान होगा कि आगे की हड़ताल के लिए, तो उसके लिए भी हम तैयार। क्या नाम, क्या पद है जी आपका? मेरा नाम सतवीर सारण है, मैं सचिव हूँ हरियाणा अग्निशमन सेवा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।